और ये सीधी तस्वीरें रायबरेली से आ रही हैं अमित शाह की, जहां पर रैली होनी थी, जहां पर जनसभा होनी थी जीआईसी मैदान में, वहां पर आग की खबर सामने आ रही है। देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन माइक काम नहीं कर रहा है। रायबरेली से ये सीधी तस्वीरें हैं, अच्छी खासी तादाद में यहां पर लोग मौजूद हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स मौजूद हैं। अमित शाह की ये रैली है कांग्रेस के गढ़ में, रायबरेली के गढ़ में, सोनिया गांधी के गढ़ में, और ऐसे में तो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं अमित शाह की, जो रैली यहां पर होनी है जीआईसी मैदान में, वहां पर आग लग गई है और इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी मच गई है आग लगने की वजह से, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। रायबरेली से यह सीधी तस्वीरें हैं जहां पर जीआईसी मैदान में आज अमित शाह की रैली होनी थी, जनसभा होनी थी। रायबरेली से यह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह की यहां पर रैली होनी थी जीआईसी मैदान पर, अमित शाह यहां पहुंच रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें, यहां पर एक पंडाल में आग लग गई है। हालांकि मंच से दूर है ये पंडाल लेकिन तुरंत उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है, आप धुआं उठता देख सकते हैं। तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के, स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक पंडाल में आग लग गई है, आग से अफरा तफरी मच गई है, तस्वीरें देख सकते हैं आप, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से ये सीधी तस्वीरें हैं। संवाददाता अविनाश से और ज्यादा जानकारी लेते हैं, अविनाश क्या हुआ है? अविनाश आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल जय अविनाश, अपडेट दीजिए, कहां पर ये आग लगी है, अब कितनी बड़ी ये आग है, बुझाने की कोशिश की जा रही है, गाड़ी मौजूद है कि नहीं? चल रहा था अमित शाह, सीएम योगी के साथ साथ तमाम कैबिनेट मंत्री, योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री यहां पर मौजूद थे, और चूंकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र नाथ पांडे, उनकी स्पीच चल रही थी और मंच के ठीक सामने तो मीडिया के लिए जो जगह बनाई गई थी जहां पत्रकार बैठे हुए थे, और वहां पर जो वीआईपी से ठीक सामने जो शॉर्ट सर्किट हुआ वहां पर अचानक से फिर वहां आग लग गई, और चूंकि तमाम देखा जाए तो बहुत ज्यादा भीड़ थी तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल यहां पर बनता दिखा, हत्या चिमक गई। हालांकि बाद में जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने किसी तरीके से आग पर काबू पाया वहां पर, लेकिन अभी भी यहाँ जो बिजली की सप्लाई है, शिकायत बिजली की सप्लाई को रोक दिया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना घटे, और क्योंकि अभी भी कार्यक्रम बंद है, मंच पर तमाम जो मौजूद है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि यहाँ पर अफरा तफरी का भी माहौल है पंडाल के अंदर। अविनाश, आग क्या अभी लगी हुई है या फिर आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है और अब स्थितियां अंडर कंट्रोल है? देखिए विकास, जो आप बताना चाहूंगा कि अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बाद यहाँ से जो वहां पर धुआं निकलने लगा और जो लोग के आसपास बैठे हुए या जो खड़े लोग थे कह सकते हैं कि वो थोड़े से घबरा गए, और उसी का नतीजा यहाँ थोड़ी सी पत्थर भी होती। हालांकि अब क्योंकि बिजली की जो सप्लाई है, इस सप्लाई को कट कर दिया गया है, पावर सप्लाई को अभी तक रोक के रखा गया है ताकि जो भीड़ लगे हुए हैं, जो बैरिकेडिंग की गई है, आपको विचार बताना चाहूंगा जहां पर आग लगी है वो बिल्कुल बैरिकेडिंग जो की गई है, जो लोहे की बैरिकेडिंग होती है उससे ठीक सही कटा हुआ था, और तमाम वहां पर वायर से बिजली के वो भी कटे हुए थे, तो वैसे में लोग डर गए कि कहीं इन जो बैरिकेडिंग हुई है इन बैरिकेडिंग में करंट ना आ जाए, और इसी को लेकर यहां पर अफरा तफरी मची थी। हालांकि अभी कह सकते हैं कि अभी जो आग लगी थी, जो धुआं निकल रहा था, उस पर काबू पा लिया गया है।
तो क्या अभी इंतजार किया जाएगा बिजली सप्लाई वापस आने का, या फिर अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, जितने भी लोग मौजूद हैं, अभी क्या इंतजार कर रहे हैं रैली शुरू होने का या फिर बिजली सप्लाई वापस आने का? निश्चित तौर पर विकास क्योंकि अभी स्पीच चल रही थी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे की, और उसके बाद सीएम योगी को बोलना है और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बोलना है। तो क्योंकि पावर की सप्लाई कट कर दी गई है, तो वैसे में जो तमाम यहाँ पर नेता है वो मंच पर मौजूद है। आधे दर्जन से ज्यादा योगी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो है, कई विधायक हैं, और जो यहाँ जिला पंचायत के तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है। तो अभी इंतजार किया जा रहा है कि बिजली की जो सप्लाई है, जो पावर की जो सप्लाई है वो सही हो जाए, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। मौके पर किसी तरह की अफरा तफरी अभी तो नहीं मची हुई है, किसी तरह की भगदड़ तो नहीं मची इस आग लगने की वजह से? क्योंकि देखा जाता है जहां बड़ी गैदरिंग होती है वहां पर छोटी सी घटना पर भी, किसी अफवाह पर भी भगदड़ सी मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है, वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए विकास, फिलहाल अगर बात करें तो स्थिति को कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नियंत्रण में तो नहीं किया गया, लेकिन जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। जो तमाम सुरक्षाकर्मी है, जो पुलिस के लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही जब शॉर्ट सर्किट हुआ था विकास, उस वक्त कह सकते हैं कि पूरे पंडाल में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लोग वहाँ पर आसपास जो बैठे हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जो आग लगी थी उस आग को बुझा लिया गया है, जो धुआं निकल